किसके घर पे टमाटर नहीं होते, टमाटर तो सबके घर पे होते हैं और वही टमाटर से सिर्फ हम लोग बनाएंगे आज टमाटर वाला पुलाव। सोचे होंगे ना कि कैसा बन रहा होगा, कैसा होगा। बहुत सिंपल इजी है, घर पे टमाटर से भी पुलाव बन सकता है। तो यहाँ पे टमाटर मैं अभी काट रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी करना क्या है, ऑयल ले लेंगे, उसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे, उसी के साथ हम डाल देंगे तेज पत्ता, थोड़ा सा ड्राई रेड चिली भी डाली है मैंने, फिर जीरा डाला है, उसी के साथ ग्रीन चिली, उसके साथ डालेंगे करी लीव्स, अनियन, ये सारे चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से उन्हें भून लेंगे। जैसे आपके अनियन भून जाए, हम उसके अंदर डालेंगे दूसरा जो स्टेप है, बेसिकली वो करने वाले हैं। अभी सोचोगे टमाटर का पुलाव तो ऐसा तो कैसा होगा, बेसिकली टमाटर से भी बहुत अच्छा पुलाव बन रहा है। और जैसे आपके अनियन हल्के से भून जाए, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और उसे भी भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद जैसे वो अच्छी तरह से भून जाए, उसका कच्चापन चला जाए, आप उसको मिडल में भी डाल सकते हो हींग, और पूरा भूनने के बाद भी डाल सकते हो। पूरा भूनने के बाद डालने का रीज़न ये है कि उसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर डाले, टमाटर को भी ऐसे साइज़ में कट नहीं करें, जैसे तैसे मिले ना वैसे कट कर दे, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर थोड़े से कच्चे वाले ग्रीन पीस डाल है, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करनी है, पकानी नहीं है, उसको हल्का सा ऐसे मिक्स करके छोड़ देना है। उसके बाद हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और उसी के साथ गरम मसाला डाला है, उन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी यहाँ पे टमाटर को गलाने नहीं है और पकाने भी नहीं है, सो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी हम इसके अंदर डालेंगे अभी जो सोक्ड करे हुए राइस, वो ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पे टमाटर हम लोग ने पकाया नहीं है, राइस सोक्ड करे हुए हैं, तो पानी थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि हमें खुले खुले राइस चाहिए होते हैं, मुझे खुले बनाने, इसलिए मुझे गीले राइस नहीं बनाने। तो मैंने पानी बहुत कम डाला है, जैसे एक कप राइस था उससे मैंने आधा कप पानी डाला है, क्योंकि टमाटर है वो थोड़ा गीला हो जाएगा, उसका जो पानी है वो छूटेगा, प्लस ये राइस भिगोए हैं उसका भी पानी ऑलरेडी उसके अंदर सोख कर चुका है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी उसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला है, वो जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अभी कुकर की बस कुकर को बंद करना है और उसकी बस एक ही सीटी लगानी है। अगर आपको लगे कि वो एक सीटी में नहीं पक रहा है, तो आप उसके ऊपर वापस दूसरी सीटी खोल के देख के वापस लगा सकते हो। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीटी बोला है तो एक ही सीटी लगाना, ऐसा नहीं है, कभी कभी दो भी हो जाती है, छोटी बटी सीटियाँ होती रहती है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली पुलाव बन के रेडी है, वो भी टमाटर वाला। सो ट्राई करना एंड लाइक शेयर फॉलो।